प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मीठा पीठा कैसे बनता है इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाऊंगा। ये तेल में चावल के जो डस्ट है उसके साथ मसाला और गुड़ मिसा के ये घोल बनता है। तो ये घोल ऐसे मस्टर्ड ऑयल और जो भी कुछ ऑयल है उसमें डालने से ऐसे मीठा पीठा तैयार हो जाते हैं। और इधर हांडी में इनको जमा करना होता है ताकि ये ज़्यादा देर तक अच्छा रहे, गर्म रहे। इस जनवरी की महीने में ये सब बनते हैं। इधर उधर पलटना होता है। आई देखिए, पलट दिए। अभी उधर एक छोटा सा लोहे का ऐसे पलटते हैं घोल। ये है घोल, इसमें चावल का डस्ट और गुड़ और थोड़ा बहुत मसाला भी है। तो इससे बन जाते हैं ये घोल, पानी, चावल का डस्ट और गुड़ और मसाला। ऐसे देखिए इधर कैसे डालते हैं इन घोल को तेल में। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं आप लोगों को। ये ऐसे मैकेनिज्म बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर उधर पलटना होता है, घुमाना होता है। उसको झुला के रखने का वजह ये है कि वहाँ से तेल नीचे गिर जाए। पलट दिए। ऐसे झुला के रखते हैं ताकि तेल नीचे धीरे धीरे से नीचे गिर जाए। ये सब पीठा, मीठा पीठा जनवरी महीने में बनते हैं। जब ठंड बहुत ज़्यादा होता है सुबह ऐसा मिल जाए तो क्या कहें, बहुत ही अच्छा। मिट्टी की हांडी में इसको जमा करना होता है ताकि ये ज़्यादा देर तक अच्छा रहे, गर्म रहे। देखे तो लगेगा कि मैकेनिज्म बहुत ही जटिल है, मतलब उतना जटिल नहीं है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने दिखाया ये मीठा पीठा बनाने का पूरा मैकेनिज्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।